वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दे विच उस गुरु बारे गल करन जा रहे हां, उस गुरु की सिफत सलाह, उस गुरु की बरकत बारे गल करन जा रहे हां जिस दे नाम दा सिमरन करके ही साडी झोली खुशियां दे नाल भर जांदी आ, साडी हर अरदास हर इच्छा पूरी हो जांदी आ। तां फिर अज दी वीडियो दे विच आपां उस गुरु बारे गल करनी आ अते नाल ही नाल गुरु दी कृपा गुरु दी बरकत बारे गल करनी आ अते उस परिवार बारे गल करनी आ जिस उत्ते एक कृपा हुई, जिन्हां ने अपनी आप बीती सांझी कीती आ कि किस तरीके दे नाल उस गुरु दा नाम जाप करके पूरे परिवार दा अमेरिका दा वीजा लगा। तां अज दी वीडियो दे विच आपां इह सारी गल्लबात करनी आ। इस करके पूरी वीडियो नूं अंत तक ध्यान दे नाल सुनना समझना। तां मैं गुरु उत्ते भरोसा रख के कह रही हां कि अज दी वीडियो सुनन तों बाद साडा अपने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उत्ते भरोसा होर वी पक्का हो जाना है। तां फिर आओ अज दी वीडियो शुरू करदे हां। पर सब तो पहला कमेंट बॉक्स दे विच जाके धन गुरु रामदास जी जरूर लिख के आओ। तां देखो जी तुसीं समझ गए होणे कि आपां अज दी वीडियो दे विच मेरे चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी बारे गल करन जा रहे हां। पातशाह दी बरकत पातशाह दी खुशी हासिल करन दी जुगत बारे गल करन जा रहे हां। किंज मेरे चौथे पातशाह अपने प्यारियां दे उत्ते कृपा करदे ने, उन्हां दीआं झोलियां खुशियां दे नाल बरकतां दे नाल भर दिंदे ने, क्योंकि चौथे पातशाह दे नाम दे विच ही इन्नी ताकत आ, इन्नी पावर आ कि जे कोई भी मनुख पूरी श्रद्धा दे नाल प्यार दे नाल धन गुरु रामदास कवे तां उहदी झोली खुशियां दे नाल बरकतां दे नाल भर जांदी आ। उस मनुख नूं धन दौलत मान सम्मान मिल जाता, उस मनुख दे उत्ते इन्नी कृपा होंदी है कि इह धन दौलत मान सम्मान उस बंदे दे मंगर मंगर फिरदा है जिहदी रसना दे उत्ते धन गुरु रामदास जी होण, जिहदे हिरदे दे विच मेरे चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी होण। तां आपां वी अपने चौथे पातशाह दी खुशी उन्हां दी बरकत हासिल करन दे लई उन्हां दे नाम दा सिमरन करना है अते उन्हां दे नाम दा सिमरन करके सानू की मिल सकदा है इह दसन दे लई इक परिवार दी आप बीती आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हां। कहिंदे इदां ही इक परिवार दे पंज जी जिन्हां ने कि 10 क साल पहलां अमेरिका जाण दे लई अप्लाई कीता सी, तां कहिंदे उन्हां दे उत्ते कृपा होई 10 साल बाद उन्हां दे पेपर निकले, उन्हां दे घर दे विच इंटरव्यू दा लैटर आ गया कि तुहाडी इन्नी तरीक नूं इंटरव्यू आ, जेकर इह इंटरव्यू पास कर दित्ती तां फिर तुहाडा पूरे परिवार दा अमेरिका दा वीजा लग जाएगा। क्योंकि जदों भी कोई भी विदेश दे लई अप्लाई करदा है, जदों भी विदेश जाण दे लई उहदा वीजा लगदा है, तां उहनूं कुछ प्रक्रियावां दे विचों निकलना पैंदा है, उहनां दे कुछ सवालां दे जवाब देने पैंदे ने, उहनां दीआं कुछ शर्तां हुंदियां ने, उहनां दे कुछ नियम हुंदे ने। जेकर असीं उहनां दीआं पूरीआं शर्तां पूरीआं नियमां दे उत्ते खरे उतरदे आं तां ही वीजा लग सकदा है। तां कहिंदे उस परिवार दी भी इंटरव्यू दा सद्दा पत्र उहनां दे घर दे विच आ गया, इधर खुशी दा माहौल भी सी कि साडे पूरे परिवार दी इंटरव्यू दा लैटर आया है, पर नाल नाल इह भी चिंता सी कि पूरे परिवार दी इंटरव्यू दा लैटर आया है इधर, अते परिवार दे मुखी नूं इह चिंता सी कि किते इह ना होवे कि सब कुछ तां ठीक ठाक हो गया है पर इंटरव्यू दे विच कोई भी गलती ना हो जावे, क्योंकि पूरे परिवार दी इंटरव्यू आ। कई बार की हुंदा कि साडे सब दे बयान रलदे नहीं, तां उहनूं बड़ी चिंता होण लगी कि किते कोई ऊंच नीच ना हो जावे, कोई गलती ना हो जावे जिस गलती करके साडा वीजा रद्द हो जावे। कहिंदे चिंता दे विच रहिण लगा, पर चिंता दे नाल नाल उहनूं अपने गुरु दे उत्ते भरोसा सी। चौथे पातशाह जी दे नाम दा सिमरन करदा अते चौथे पातशाह जी दे अगे इक्को ही अरदास करदा कि धन गुरु रामदास जी जिथे इन्नी कृपा कीती आ कि तुसी इह खुशी विखाई आ, उत्थे इक कृपा होर करो कि मेरे पूरे परिवार दी इंटरव्यू दा लैटर आया है, पर ऐसी कृपा करो
कि उस इंटरव्यू दे विच मेरे बच्चों तो मेरी पत्नी तो कुछ भी ना पूछा जाए, सिर्फ मेरे तो सवाल पूछे जाए। इन्नी कृपा करो। कहिंदे रोज रोज पाशा दा नाम सिमरन करदा अते यही अरदास बेनती करदा। कहिंदे हुण इंटरव्यू वाला दिन आ गया, जिथे इंटरव्यू सी उथे पहुंचे। सवेर तो जाके पूरा परिवार बैठे आ, अपनी वारी दी उलीक कर रहे ने, पर कहिंदे समा बीतदा जा रहा है। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, उन्हां दी वारी नहीं आ रही। लोग इंटरव्यू दे लई अंदर जा रहे ने, इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे ने, पर ये उड़ीक कर रहे ने। हौली हौली करद्या करौंद्या 4 बज गए। जद 4 बज गए तो थोड़ी चिंता हुई कि की गल, सानू आवाज क्यों नहीं पै रही, क्योंकि असीं भी सवेर दे आके बैठे आ। ते कहिंदे उन्हां ने छत्ते बैठी मैडम नूं पुछिया कि मैडम सानू भी इंटरव्यू दे लई बुलाया गया है, पर सानू अजे तक आवाज नहीं लगी, सानू अंदर नहीं बुलाया गया, की कारण आ। ते कहिंदे ओह मैडम ने कहा कि मैं अंदरों जाके पुछ के आई। कहिंदे ओह मैडम अंदर गई, अंदर जाके अफसर दे नाल गलबात कीती, तां अंदर जो भी गोरा अफसर सी उहने कहा कि ओह पूरे परिवार नूं अंदर भेज दो। कहिंदे इधरों पूरा परिवार ओह गोरे दे सामने गया, अते गोरे ने गोरे अफसर ने कहा कि सरदार जी तुहाडी इंटरव्यू दी जानकारी मेरे कोल नहीं आ। ते कहिंदे इधर सरदार जी ने कहा कि नहीं, सानू अज बुलाया गया है। उन्होंने लैटर दिखाया, कहिंदे कि आ देखो सानू लैटर मिलिया है, इहदे उत्ते तरीक पाई आ, अज दी तरीक आ, अज ही सानू इत्थे ही बुलाया गया है। गोरे ने उन्हां दा कागज देखिया ते कहा कि तुसी सच्चे आ कि तुहानू इस दिन बुलाया गया सी, पर मेरे कोल कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जदों भी जिस भी ऑफिसर ने इंटरव्यू करनी हुंदी आ, उन्होंने सवाल करने हुंदे ने, ओह जानकारी पहला तो उन्हां कोल होनी चाहीदी आ। तां उन्हें कहा कि मेरे कोल तुहाडा नाम नहीं आ। तां कहिंदे सरदार जी थोड़ी चिंता दे विच आए, तां गोरे ऑफिसर ने कहा कि कोई गल नहीं, चिंता ना करो, असीं तुहाडे पेपर देख लए ने, तुसीं आराम नाल घर जाओ, तुहानू दोबारा तो लैटर आवेगा, तुहानू दोबारा इंटरव्यू दे लई बुलाया जाएगा। कहिंदे ओह परिवार घर चले गया। उसे तरह गुरु रामदास पातशाह जी दी अरदासां बेनतियां करदे कि पातशाह कोई भी विघन कोई रुकावट ना पै जावे। ते कहिंदे कुछ दिन बीते अते लैटर आया। उस चिट्ठी नूं देख के पूरा परिवार हैरान हो गया, क्योंकि ओह लैटर ओह चिट्ठी इंटरव्यू दी नहीं सी, उन्हां दे वीजे दी सी, कि उन्हां दा वीजा लग चुका है। इह देख के ओह बड़े हैरान होए कि बिना इंटरव्यू तो ही साडा वीजा लग गया। पर ओह समझ चुके कि जिस चौथे पातशाह जी दे अगे अरदासां बेनतियां कर रहे सी, ओह पातशाह दे लई इत्थों दी इंटरव्यू दे विच पास करवाउणा कोई भी वड्डी गल नहीं आ, क्योंकि ओह गुरु तां सानूं अगली दरगाह धर्मराज दे कोल भी पहुंचा लैंदे ने। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਜੇਕਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਾਵਾਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਹਾਨੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਇੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਝੱਟ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।